हेलो गाइस, शांति किचन में आपका स्वागत है। इस समय दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और सब इससे बचने के अलग अलग उपाय तलाश रहे हैं। जब तक इसका कोई इलाज नहीं मिल जाता, तब तक हम घरों में रहकर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, जो कि आयुष्मान मंत्रालय द्वारा बताया गया है। उसी में एक ये काढ़ा भी है। आज हम जो काढ़ा बनाने जा रहे हैं, उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इनके लिए गुड़, तेजपात, 3-4 लौंग हैं, इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक और नींबू और तुलसी के पत्ते। चलिए गाइस, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, काढ़ा बनाने के लिए हमने एक भगोना चढ़ा दिया है। हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं ये काढ़ा। तो उसके लिए हमने एक गिलास पानी लिया है। इस पानी में जब उबाल आने लगेगा, तब हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे। तो गाइस, हम इसे उबालने रख देते हैं। अब इसे हम उबलने देते हैं। देखिए गाइस, हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें सारी सामग्री डालेंगे। अदरक, तुलसी के पत्ते, तेजपात का पत्ता, लौंग, इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और हल्दी पाउडर। अब हम इसे थोड़ी देर उबलने देते हैं। तो देखिए गाइस, इसे उबलते उबलते काफ़ी देर हो गई है। अब हम इसमें गुड़ डालते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और उबालेंगे। अब हम इसमें नींबू डालते हैं। और इसे थोड़ी देर ढककर रखते हैं। देखिए गाइज, हमारा काढ़ा बनकर रेडी है। तो चलिए गाइज, अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारा ये काढ़ा बनकर रेडी है। आप भी इसी तरह से बनाएं और अपने परिवार को पिलाएं और बीमारियों से दूर रहें। अगर आपको हमारा ये काढ़ा अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।